सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल बिकम डॉक्टर। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मतलब हम क्या पल्मनरी सर्कुलेशन होता है और क्या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है उसके बारे में जानने वाले हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, और हम मालूम करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, कि क्या डिफरेंस होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में और पल्मनरी सर्कुलेशन के अंदर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम चेक करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन से। तो पल्मनरी सर्कुलेशन हमारा होता है बिटवीन राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। ये हमने एक एनाटॉमिकल डायग्राम बना रखा है, ये कोई बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, एक एनाटॉमिकल डायग्राम है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक एक पल्मनरी सर्कुलेशन होता है और कहाँ से कहाँ तक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। तो ये होता है राइट हार्ट से लेके लेफ्ट हार्ट के बीच में। तो हमारा ये हो गया राइट हार्ट और ये हो गया हमारा लेफ्ट हार्ट। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो सर्कुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सर्कुलेशन आता है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है बिटवीन लेफ्ट हार्ट एंड राइट हार्ट। लेफ्ट हार्ट हमारा अब कहाँ पर होता है, लेफ्ट हार्ट होता है हमारा यहाँ पे और राइट हार्ट होता है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से लेके और ये जो पूरा सर्कुलेशन हम चेक कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप इसको पूरे को, ये सर्कुलेशन जो होता है इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और ये जो सर्कुलेशन होता है इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। अब आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो वो डिफरेंस करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आप ये डायग्राम से ही मालूम कर सकते हैं वो ये कि जो पल्मनरी सर्कुलेशन होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक का होता है, मतलब कितना छोटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब कितना छोटा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हो गया वो हो गया कि पल्मनरी सर्कुलेशन इज शॉर्ट, ठीक है, ये देख सकते हैं आप शॉर्ट है, और ये जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। अब इसके अंदर पल्मनरी सर्कुलेशन किस चीज़ के काम में आता है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो हमारा पल्मनरी सर्कुलेशन होता है, पल्मनरी सर्कुलेशन जो ब्लड होता है वो लंग्स को प्रोवाइड करता है, सिर्फ लंग्स को ब्लड प्रोवाइड करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है जैसे आप देख सकते हैं लंग्स से ब्लड पास होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमारा जाता है, लेफ्ट एट्रिया से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमारा जाता है, और वहीं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का काम क्या होता है, बॉडी पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ समझ गए कि पल्मनरी सर्कुलेशन लंग्स को प्रोवाइड करता है ब्लड और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बॉडी पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम आगे चेक करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है और क्या क्या मेन मेन चीज़ें इन दोनों के अंदर होती है। तो अपन सबसे पहले जो हमने पढ़ ली वो थी कि ये लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट के बीच में होता है सिस्टमेटिक, और पल्मनरी होता है राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट के बीच में, ठीक है। अगला डिफरेंस हम चेक करते हैं कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उसमें हाई प्रेशर होता है और जो पल्मनरी सर्कुलेशन है उसमें लो प्रेशर होता है। अब मैं आपको इस चीज़ का मतलब समझा देता हूं कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हाई प्रेशर क्यों होता है और पल्मनरी सर्कुलेशन के अंदर लो प्रेशर क्यों होता है। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन था हमारा ये वाला, इसके अंदर क्या दे रखा, हाई प्रेशर। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर हाई प्रेशर इस वजह से होता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि जो पल्मनरी सर्कुलेशन होता है वो ब्लड प्रोवाइड करता है लंग्स को, और जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है वो ब्लड प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। तो हमारा बॉडी पार्ट कितना बड़ा होता है और लंग्स कितना सा होता है, ठीक है, मतलब हम रेशियो एक लेके चलें तो बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। तो ब्लड के लिए एक हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी होती है वो हमारी चलती फिरती रहती है, कभी सोना कभी उठना सारी एक्टिविटी करती है, तो उसके लिए ब्लड हाई प्रेशर के अंदर रिक्वायर्ड होता है, और वहीं जो लंग्स होता है उसको लो प्रेशर के अंदर वो वर्क कर सकता है। अब एक और कंडीशन है कि अगर इसके अंदर पल्मनरी सर्कुलेशन के अंदर है जो लो प्रेशर ही क्यों होता है, हाई प्रेशर क्यों नहीं होता, ये तो आप समझ ही गए कि इसके अंदर हाई प्रेशर क्यों होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने हाथ हमारा अभी नीचे रख रखा है मैंने और इस हाथ को ऊपर कर दूंगा मैं, तो एंटी ग्रेविटी के लिए भी ब्लड को काम करना पड़ेगा, और यदि एंटी ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के अपोजिट यदि ब्लड मूव करेगा तो उसको एक हाई प्रेशर चाहिए, और क्योंकि लो प्रेशर के अंदर वो काम नहीं कर सकता, उसको एक मोटर की तरह काम करना है, ठीक है। वहीं लो प्रेशर होता है पल्मनरी सर्कुलेशन के अंदर, क्यों, क्योंकि यदि हाई प्रेशर होगा तो कंडीशन क्या होती है कि हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो वॉल्स होती हैं, एल्वियोली होती है, वो फट सकती है और उसकी वजह से एडिमा डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक कंडीशन है कि पल्मनरी के अंदर लो प्रेशर होता है, ठीक है। अगला डिफरेंस हम चेक करते हैं, स्लो ब्लड फ्लो वेलोसिटी एज कंपेयर टू पल्मनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक के अंदर क्या होगा, स्लो ब्लड फ्लो होता है पल्मनरी सर्कुलेशन के मुकाबले, और वहीं की पल्मनरी के अंदर क्या होगा, फास्ट सर्कुलेशन होता है।
वो फास्ट ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। अब हम ये फ्लो के लिए चेक करेंगे, आगे एक फॉर्मूला होता है वो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए काम में आता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखाई देता हूँ, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन फ्लो, ठीक है। ये आगे आप रेजिस्टेंस जब स्टडी करेंगे, जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो वो उसमें काम आएगा। फिर हम आगे चेक करते हैं जो सिस्टमेटिक एट्रियल साइड, वो क्या होती है, थिकर होती है। थिकर का मतलब होता है मोटा और थिनर का मतलब होता है पतला, ये तो आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सिस्टमेटिक की जो एट्रियल वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं, और वहीं पल्मोनरी की क्या होती है, थिन मतलब पतली होती है। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हायर इन सिस्टमेटिक एज बिकॉज हैव हाई प्रेशर, रेजिस्टेंस लोअर इन पल्मोनरी एज बिकॉज हैव लो प्रेशर, ठीक है। अब आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है अपोजिंग फोर्स जिसकी वजह से ब्लड धीरे जाता है, मतलब जैसे हमारे चलने पे जो फ्रिक्शन काम करता है वैसे ही ब्लड के लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, किसके अंदर, सिस्टमेटिक के अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, और वहीं पल्मोनरी के अंदर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। इसके पीछे भी एक कारण यही है कि यदि इसके अंदर रेजिस्टेंस हाई होगा तो जो वॉल्स है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यदि रेजिस्टेंस मान लीजिए कम होगा तो मान ली इतनी वॉल्स है हमारी, और रेजिस्टेंस कम होगा तो आराम से इसमें से ब्लड फ्लो कर सकेगा, लेकिन यदि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वॉल्स है जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मतलब पतली हो जाएंगी, और अगर वॉल्स पतली हो जाएंगी तो ब्लड उसके अंदर से तेजी से फ्लो करेगा, और तेजी से फ्लो करेगा तो यहाँ पे एल्वियोलाई फटने की कंडीशन आ सकती है, ब्लड लीक कर सकता है, और ब्लड लीकिंग की वजह से दोबारा एडिमा की जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी हाई प्रेशर की वजह से होती है वो कंडीशन डेवलप हो सकती है, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, इस वजह से भी रेजिस्टेंस कम होता है पल्मोनरी के अंदर, और वहीं इसका अपोजिट होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि लार्जर सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन हैव स्मॉलर सर्कुलेशन, बाय द डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज स्मॉल एंड दिस इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन विच इज लार्जर, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यू कैन स्टडी ऑल दिस थिंग। एंड अगर आपको ये जो भी मैंने आपको समझाया पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यदि आपको समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बाकी आप डिफरेंस है वो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @become_doctor। तो थैंक यू गाइस, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई और वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।